एक भूतिया बैर का पेड़ है जहाँ से हम लोग देखे हैं वहाँ पे भूत। लोग जो है यहाँ पे आग लगा दिए हैं, वो कई बार ऐसा अनुभव किए हैं कि मतलब इस नदी के जो किनारा जो होता है ये सब उस पे कोई बैठा हुआ रहता है। भाई देखो भूत है वहाँ पे, देखो तार पे भूत दिख रहा है। आज हम आपको तीन ऐसे भूतिया जगह दिखाए, एक ये बैर का पेड़ जो पीछे आपको दिख रहा है, और एक वो। तो गाइज हम गांव आए हुए थे और गांव आने के बाद पुराना याद जो होता है वो ताज़ा हो जाता है, तो हम सोचे क्यों ना आपके साथ भी वो याद जो है शेयर कर दिया जाए कि हम लोग बचपन में किस तरह से स्कूल जाया करते थे और किस तरह से आया करते थे और क्या क्या देखते थे हम लोग। हालांकि वो एक मजाक होता था, लेकिन मजाक में बहुत ही ज़्यादा हम लोग मस्ती करते थे, और वही चीज़ हम सोचे कि आपको दिखा देते हैं कितना ही हम लोग को मज़ा आता था इधर से आने जाने में। तो देखिए ये इधर जो है एक नदी है, और उस नदी को पार करके हम लोग जो है इस साइड हम लोग जाते थे स्कूल के तरफ, और इधर जो है यहाँ से 3 किलोमीटर दूर एक गांव है और वहाँ पे एक स्कूल था और वहीं हम लोग जाते थे पढ़ाई करने के लिए। और ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये रास्ता नहीं है, बस ऐसे ही बीच से वो आप एक घर देख रहे होंगे, अब वो बन गया है। वहाँ पे आपको एक जूम करके हम दिखाते हैं, एक घर दिख रहा है, वो मछली पालन के लिए तालाब है, वहाँ पे तालाब है और उस तरह से वहाँ पे लोग रहने के लिए अपना दे दिए हैं। तो वहाँ से जो था रास्ता था, और वहाँ से जो रास्ता था वो उधर से होकर उधर चला जाता था, और हम लोग उधर ही जाते थे पढ़ाई करने के लिए। यहाँ से करीब करीब 3 किलोमीटर दूर पढ़ी जाता है, तो जाते टाइम तो उतना मज़ा नहीं आता था क्योंकि सुबह का टाइम होता था, लेकिन आते टाइम जो होता था वो दोपहर का समय हो जाता था, और दोपहर का समय जो होता है थोड़ा सा सुनसान होता है, सन्नाटा होता है, और इसलिए बहुत ही मज़ा आता था। तो अभी जहाँ पे हम खड़ा है ये सब पेड़ वगैरह जो आप देख रहे हैं, ये जो तार का जो पेड़ आप देख रहे हैं, ये सब जो तार का जो पेड़ है, ये सब जो पेड़ है उस समय काफ़ी छोटा छोटा था। और होता ये था कि जब हम उस रास्ते से उधर से होकर जब गुजरते थे तो ये छोटा छोटा पेड़ जो था, हम लोग भूत वगैरह तो होता नहीं था, बस ऐसे बोलते थे, बहुत सारे लोग होते थे, हम लोग बहुत सारे बच्चा साथ मिल के जाते थे, 10-15 लोग होते थे साथ में, तो एक दूसरे को डराने के लिए कि भाई देखो भूत है वहाँ पे, देखो तार पे भूत दिख रहा है, और इस तरह से हम लोग डराया करते थे एक दूसरे को, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था। और देख सकते हैं वो सब जो तार का जो पेड़ दिख रहा है आपको, जो जिसका मूड़ी कटा हुआ है, ये वाला तार का जो पेड़ आपको दिख रहा है, इसका मूड़ी जो कटा हुआ है, तो इस तरह से हम लोग बोला करते थे कि भाई उसका मूड़ी जो है चुड़ैल काट दी है, भूत काट दिया है रात के समय में। देखो कल हम लोग आए थे इधर तो ऐसा कुछ तो नहीं था, लेकिन अभी देखो उसका कटा हुआ है ना, तो इसको जो है चुड़ैल काट दी है रात के समय में। और हम लोग सबको ही जानते थे कि ऐसा कुछ होता होता नहीं है, लेकिन हर कोई इस बात में विश्वास भी करता था, तो बहुत ही मज़ा आता था यार। और इन्हीं रास्तों पर जो है कि बहुत कुछ ऐसा हम लोग अफवाह बनाया करते थे कि भूत रहता है ऐसा वैसा, उसमें बच्चा थे, बच्चा का दिमाग था अपना, बहुत ही मज़ा आता था। तो बस यही सब है। और चलिए देखिए आप, यहाँ पे एक सरस्वती नदी है जो राजगीर से निकल के इधर, राजगीर के पहाड़ों से निकलकर इधर आता है, राजगीर का पहाड़ तो आपको कई बार हम दिखाए हैं, उस पहाड़ से ही निकलकर जो आपको अभी हम नदी दिखाने जा रहे हैं इधर आया है, तो चलिए आपको हम दिखाते हैं बैक कैमरा से वो। तो भाई देख सकते हैं ये है सरस्वती नदी जो राजगीर से निकलता है, और राजगीर से निकलने के बाद यहाँ मेरे गाँव की तरफ आता है, और आगे चल के ये जो नदी है इधर से होते हुए और यहाँ से ऐसे घूम कर आगे एक पैमार नदी है जिसके बारे में आपको, उसके बारे में वीडियो हम बनाए हैं, और उस नदी में मिल जाता है ये जाकर। और यहाँ पे देख सकते हैं फिलहाल आप, लोग जो है यहाँ पे आग लगा दिए हैं, जिनका खेत होता है वो ऐसे आग लगा देते हैं ताकि सारा जो है कचरा जो है वो जल जाए और फिर से उसमें फसल उगाया जा सके इसके लिए, लेकिन ये हानिकारक होता है, उर्वरक क्षमता जो होता है ज़मीन का वो उससे ख़राब हो जाता है, लेकिन लोग समझते नहीं है, देख रहे हैं टोटल को टोटल आग लगाया हुआ है, इधर भी आप देख सकते हैं इस समय आग लगा हुआ है, और इसके वजह से बहुत सारा जो है पेड़ जल जाता है, देख सकते हैं आप, दूर दूर तक आपको दिख रहा होगा सिर्फ काला काला ही दिख रहा होगा, ये सब आग लगाने की वजह से हो गया है। तो गाइज उस आग लगा हुआ जो जगह था वहाँ से निकल के हम लोग वहाँ जा रहे हैं जहाँ पैमार नदी, सरस्वती नदी जो है पैमार नदी जहाँ जाके मिलता है, और वहाँ जाने के बाद एक भूतिया बैर का पेड़ है जहाँ से हम लोग देखे हैं वहाँ पे भूत, ये सच्चाई है, इसमें कोई झूठ नहीं है, हम लोग देखे हैं अपने आँख से, इसलिए आपको हम वो भूत वाला पेड़ दिखाने वाले हैं, भूतिया बैर का पेड़ दिखाने वाले हैं, और दो दो भूतिया बैर का पेड़ है तो वो दोनों आपको हम दिखाएंगे। सबसे पहले तो ये सरस्वती नदी जो है इसी के अंदर है, तो सबसे पहले हम यहाँ से नीचे उतरेंगे इस नदी में और आपको दिखाएंगे, तो चलिए अब यहाँ से उतर के आपको दिखाते हैं। तो भाई यहाँ से उस बैर के पेड़ के पास जाने का रास्ता है नीचे, अभी हम जा रहे हैं नदी में ढलान की तरफ। ओलल का पेड़ काट दिया क्या? चलिए नहीं एकरे बनाते हैं भाई, लगता है वो वाला पेड़ कट गया है। दो बैर का पेड़ है, आपको दो गो है तो एक गो नहीं तो दूसरा तो दिखाई देंगे।
शायद वो वाला बैर का पेड़ काट दिया यार। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी ये वाला नहीं तो एक और भूत का बैर का पेड़ है, भूत वाला, वहाँ भी भूत वगैरह हुआ करता था, तो वो भी आपको हम दिखा देंगे अभी चल के। और चलिए आपको दिखाते हैं, फिलहाल वो बैर का जो पेड़ था वो यहाँ पे था, जो तार का पेड़ आप देख यहाँ से सटा हुआ यहाँ पे था, और उसके बारे में स्टोरी बताएंगे। उससे पहले आप ये देखिए, ये बेल का पेड़ यहाँ पे देख रहे होंगे आप, ये तीन बेल का पेड़ है यहाँ पे, और इसके बारे में भी बहुत स्टोरी है। तो इस पेड़ के बारे में स्टोरी ये है कि यहाँ पे बहुत पहले, अभी नहीं बहुत पहले, जिस समय मेरे पापा का कहानी है, पापा कहा करते हैं, तो उस टाइम ये बहुत गहरा नदी हुआ करता था और बहुत ही ज़्यादा इधर पानी आता था, बहुत ही ज़्यादा बाढ़ आता था। तो उस टाइम इस पेड़ पर भूत वगैरह होता था, क्योंकि रात के समय में पापा इधर आते थे मछली वगैरह पकड़ने के लिए, या फिर बहुत सारे लोग, गाँव के लोग भी आते थे। तो कई बार ऐसा अनुभव किए हैं कि मतलब इस नदी के जो किनारा जो होता है ये सब, उस पर कोई बैठा हुआ रहता है, और जैसे ही वो आते हैं तो किनारे से नीचे कूद जाता है पानी में और फिर गायब हो जाता है। और कभी कभी तो वो देखने का भी दावा किए हैं कि मतलब सामने से देखे हैं कि कोई आ रहा है और फिर अचानक से गायब हो गया। तो ऐसा बहुत सारा घटना जो है इधर होता रहता है, गांव क्षेत्र है, तो बहुत कुछ ऐसा होता रहता है। और जो हम जो देखे थे वो वहाँ पे देखे थे, तो आपको बताते हैं उसका स्टोरी क्या है। तो गाइस, वहाँ जो बैर का जो पेड़ था, एक बार वहाँ पे हम बैर तोड़ने गए हुए थे, और नीचे ऐसे ही नदी में हम खड़ा होकर बैर के ऊपर जो ढेला होता है वो मार रहे थे। लेकिन अचानक से ये हुआ कि जब हम ढेला मार रहे थे कंटिन्यू, तो मतलब अचानक से हम देखे कि वो ढेला गया और फिर रिटर्न आ गया मेरे तरफ, यानी कि ऐसे हम मारे और भाई साहब ऐसे गया और वहाँ से फिर रिटर्न आ गया, और मेरे आँख के सामने वो रिटर्न आया। और हम मेरा छोटा भाई नीरज और बहन, मेरी बहन, छोटी बहन, हम तीनों वहाँ पे गए हुए थे, और हम तीनों एक ग्रुप बनाकर गए थे वहाँ पे बैर तोड़ने के लिए। लेकिन ऐसा हम देखें, और ऐसा देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा डर गए थे, डंडा वगैरह भी लेकर गए थे, वो सब वहीं फेंक दिए थे और भागने लगे थे। और वो बैर का पेड़ वहाँ पे था, तो वहाँ पे तो हम नहीं जाएंगे, वो बैर का पेड़ अब कट गया है, लेकिन आपको बेल का पेड़ तो दिखाए हैं, इसका स्टोरी तो बताए हैं कि इसका स्टोरी क्या है। तो चलिए इधर आते हैं। तो भाई अभी हम ऊपर आ गए हैं, और यहाँ से अभी हम जाएंगे नीचे, और एक और बैर का पेड़ है जो आपको बताया था कि भूतिया है, वो अभी भी है, तो चलिए वो आपको दिखा देते हैं। और देखिए ये जो आप देख रहे हैं, ये जो है ये सरस्वती नदी है, आपको आगे से दिखाते हैं। सरस्वती नदी जो है यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है, और यहाँ से पैमार नदी में मिल जाता है। और भाई ये मेरा ही खेत है जो आपको दिख रहा है, लेकिन अभी ये नदी के चपेट में आ गया है और नदी में मिल गया है, तो अब तो इसका वैसे भी कोई उपयोग नहीं रहा। तो आइए दिखाते हैं, यही है वो बैर का पेड़। अभी अंधेरा दिख रहा है, अभी जाते हैं वहाँ थोड़ा बगल में। तो भाई देखिए ये है वो बैर का पेड़ जो भूतिया था। इसका भी वही कहानी है, यहाँ पे हम लोग डंटा से झाड़ रहे थे बैर, और इस नदी में आकर हम लोग डंटा से बैर झाड़ने में लगे हुए थे, जो आप देख रहे हैं यहाँ से, ये नदी है सरस्वती नदी, और यही जो है वो नदी यहाँ पे आके ख़त्म हो गया। और यहाँ पे जब हम लोग बैर झाड़ रहे थे तो ऊपर से जो है ढेला आने लगा हम लोग के ऊपर, और बहुत ज़्यादा ढेला का बरसात सा होने लगा, और इसके वजह से हम लोग डर के वहाँ से भाग गए। यहाँ पे एक देखिए बरगद का भी पेड़ है इस तरह का, और यही सब है मेरा बचपन का कहानी, आप देख सकते हैं उस समय बहुत ही मज़ा आता था। और ये जो सरस्वती नदी का जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे इस तरह का जो है 6 शटर लगाए गए हैं, ताकि यहाँ से जो पानी है वो इधर का पानी जो है इधर ही स्टोर किया जा सके, और उस नदी का जो आपको बताया था कि उधर एक पैमार नदी है, जिस नदी में हम गए हुए थे, जहाँ पे आपको बेल का पेड़ और वो वाला पेड़ दिखाए थे, तो उस नदी का पानी उधर बहकर चला जाए, इसके लिए यहाँ पे शटर लगा दिया गया है। तो गाइस आज हम आपको तीन ऐसे भूतिया जगह दिखाए, एक ये बैर का पेड़ जो पीछे आपको दिख रहा है, और एक वो बेल का पेड़ जो दिखाए तीन को जो था, और वो जो एक और बैर का पेड़ जो आपको बताया जो कट गया है अब, तो ये तीन पेड़ था जो बहुत ही ख़तरनाक था, और बहुत ही स्टोरी है इसके बारे में, और ये सारा स्टोरी सच है, ये झूठ नहीं है। जो झूठ था वो आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि क्या बस ऐसे हुआ था, और क्या सच है वो भी आपको हम बता रहे हैं, और सच में यहाँ पर ऐसा हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, पापा को भी ऐसा अनुभव हुआ है। तो ये थोड़ा सा डरावना है, लेकिन बहुत ही मज़ा आता है,
तो बस इसी तरह के गांव के ब्लॉक के लिए, और कभी कभी हम जाते हैं पहाड़ों में, जंगलों में, कभी कभी क्या ज़्यादातर पहाड़ों और जंगलों में ही जाते हैं, और कुछ यूनिक सा दिखाते हैं, कुछ अलग सा दिखाते हैं, कुछ ऐसा स्टोरी बताते हैं जो आज तक आप नहीं देखे हो, नहीं सुने हो। तो बस ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बस अब चलते हैं।